हमें कहाँ देखना है हम थीक नहीं थीक हाँ। थीक है थीक। थीक। हाँ जी शांत है कर दिया ना स्टार्ट हो गया ना से तो सबसे पहले थैंक यू मैम कि आपने टाइम दिया हम लोगों को कि हम लोग यहाँ तक आ सके और आपसे बातचीत करें ये बहुत ही अच्छी बात है और हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपने हमें टाइम दिया और हम यहाँ आके आपसे बातचीत कर सके कैजुअल बातचीत है और कुछ नहीं, नहीं। और ना ही ये इंटरव्यू है नहीं नहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है शांतनु आप आए हमारे यहाँ और हमारा जो ये अचार का बिजनेस है उसके बारे में जानना चाहते हैं हमारी कहानी के बारे में जानना जी, चाहते हैं जी, हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है और आप लोग इस तरह से आइए और इस काम को बढ़ाइए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी अभी जब हम लोग टैंक देख रहे थे और जब पिछले साल आप गई हुई थी और उसके बाद फिर जब शाख्स यहाँ दरभंगा आके फंडिंग दी तो ये तो बहुत एक्सेप्शन हो जाता है बहुत ही ये आश्चर्य की बात थी जो हम लोग जब साग टैंक गए वहाँ पे अपने बारे में बताया अपने कंपनी के बारे में हम लोगों ने साथ के पास अपनी रखी कि हमारे कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत है और इस तरह से अपने पिच दिए वहाँ पे लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से हमारे आ, अचार के बारे में हम लोगों का जो सोच और फंड के बारे में जो डिमांड था उसके बारे में सुना अचार भी चखा उन लोगों ने चखने के बाद काफ़ी प्रशंसा भी की कि नहीं बहुत ही अच्छा आपका अचार है तो इस तरह से एक जर्नी वहाँ से मेरा शुरू हुआ झाँजी स्टोर के जब हम शुरू किए थे तो उस वक्त हमारे पास पाँच छः लोग थे और पहले ही मन से ऐसा लगा जैसे कि ये झाजी स्टोर के अचार को लोग पसंद कर रहे हैं जी। तो पहले दूसरे तीसरे महीने में ही हमारा बिजनेस इतना अच्छे से ग्रोथ कर रहा था जिसके लिए अब लगा कि नहीं जो स्टेप हमने उठाया है वो बहुत ही अच्छा स्टेप मैंने ली है और जो घबराहट था वो कम हुआ कि पता नहीं बाहर के लोग किस तरह से हमारे अचार को पसंद करेंगे लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रशंसा किए दिए फोन भी करके पर्सनली थैंक यू जो आप घर का का अचार खाने वजह से हम लोगों को मौका मिला जी। तो इस तरह से हमारा ये जर्नी शुरू हुआ जिसके बाद हमें लगा कि नहीं अब तो फंड चाहिए जी। क्योंकि अब इसे बड़ा करना है लोग पसंद कर रहे हैं तो आइडिया मैम कहाँ से आया था कि मतलब अचार के बिजनेस को ही करना है क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था या देखा था कि आपको मिथिला पेंटिंग एज वेल एज अचार हाँ कुछ दो, बनाना दोनों अच्छा दो, दोनों ही हुनर है मेरे हाथों में पेंटिंग भी बहुत ही अच्छा बनाती हूँ और अचार का भी खाने पीने का जो होता है वो भी बहुत अच्छा से आता है और अच्छे लोग जो है घर के परिवार के दोस्त फ्रेंड सब बहुत प्रशंसा करते नहीं। तुम्हारे हाथ का तो अलग ही स्वाद है तो ये भी मन में था माँ के हाथ का हाँ नानी दादी ये जो ट्रेडिशनल हमारा मिथिला का जो परंपरागत विधि से बनने वाला अचार है वही परंपरा को लेके आगे बढ़ना था क्योंकि मैं खुद मेरी बेटी भी है जो ये इस प्रोसेस को नहीं बना पाएगी अब वो जो चीज है वो छूट रहा था कहीं छूट रहा था तो लगा कि नहीं इसी को करते हैं और इस काम करने के वजह से बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी तो ये भी था कि जो कोविड का सेकंड वेव का समय था आसपास की महिलाएं कभी कभी आती थी पैसे के लिए किसी भी कारण से तो वो अपना इस बारे में जो घर में बहुत तंगी है हस्बैंड भी काम छूट गया हस्बैंड का भी तो बहुत आर्थिक तंगी है दीदी तुम कुछ करो तो लगा कि मैं किस तरह से इन लोगों की मदद करूं और अपना जो ये हॉबी है अपना जो ये शौक है इसको भी एक व्यवसायिक रूप दूँ तो इसी सब सोच के तहत जब बच्चे घर में थे तो हस्बैंड से मैंने अपने मन की बात बताई बच्चों के साथ कोविड के टाइम की बात हाँ सेकंड वेव कोविड के टाइम की है 2020 की ये बात ठीक है तो अक्टूबर की है तो उस समय तो बच्चे भी नहीं नहीं आप करो मम्मी जो भी होगा हम लोग आपको मदद करेंगे हस्बैंड भी कि नहीं चलिए आपको कुछ पैसे मैं देता हूँ तो इस तरह से आ, मन में जो विचार था उसका संकल्प हम लिए कि नहीं करना है जी। ये काम तो करूंगी मैं अब जी, तो सभी जब आप संकल्प लेते हो तो हर तरह से आपको मदद के लिए हस्बैंड का हाथ बेटा का मतलब मनोबल बढ़ाने वाली फैमिली सब आ, आ सारा सहयोग से ही कोई काम आगे बढ़ता है खासकर महिलाओं के लिए तो काम के लिए थोड़ा सा परिवार का सपोर्ट होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं घर में अब बिल्कुल हाउस वाइफ थी तो आगे काम करने के लिए मतलब किस तरह से मैनेज करूंगी तो बेटे ने कहा कि बाहर का जो भी है मार्केटिंग का काम मैं देख दूंगा तो टीम बनाए एक उसके बाद मेरी भाभी जो पहले से भी टीचर हैं है वो उमा उनको भी मैंने पूछा कि भाभी मैं शुरू करने वाली क्यों आओगी मेरे साथ तो वो भी बहुत खुश हुई कि चलो अपना काम करते हैं दोनों ननद भाभी मिल तो हमारी ननद भाभी की जोड़ी वहीं से शुरू हुई जी। और ये ये जोड़ी कमाल कर रहा है सो तो आप देख ही रहे हैं जी, 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 तो इस तरह से काम हम शुरू किए। तो आ, मैंने कहीं ये भी देखा था नहीं हमारे नहीं। से ही आया था और जो जिनसे किन्हीं ने सुना था कि यहाँ झाजी स्टोर में अचार बन रहा है तो अचानक से दिन दरवाजे खटखटा के खड़ी होगी जो मुझे अचार चाहिए उस वक्त मैंने जस्ट शुरू ही की थी तो अब जैसे लॉन्च करने का था प्लान हो रहा था तो पहला ऑर्डर मेरा 2500 का था जो मेरे ही हाथ में पैसा आया मैंने पैसे लिए भगवान पे चढ़ाया कि चलो श्री गणेश हुआ तो वो वो अनुभव जो था सो मेरे अभी भी एक अलग तरह का अनुभूति है मेरे लिए कस्टमर से जो जब पॉजिटिव रिव्यू हमको मिलता है तो हमको काम करने का और उस पे मन करता है हाँ, उस चीज को हाँ, और ये चीज किस तरीके से इफेक्ट किया झाजी स्टोर हां क्योंकि काम करने से पहले एक मन में झिझक डर था कि मिथिला का आचार है यहाँ के लोग को तो पसंद आएगा क्योंकि इनको टेस्ट में है लेकिन बाहर वाले लोग जैसे यूपी के हुए उड़ीसा के हुए पंजाब के हुए कर्नाटका के हुए साउथ के हुए तो ये सब था कि पता नहीं वो सब पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे लेकिन जब ये अचार मेरा हर जगह पूरे इंडिया में जाने लगा तो हर जगह से अच्छा अच्छा रिव्यू मतलब हर लोगों ने यही कहा कि मुझे तो मेरी माँ की याद दिला दिया आपने किसी ने कहा कि दादी नानी की याद आ गई तीस साल पहले जो अचार खाया था वो अचार का टेस्ट आ गया मेरे तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी कॉम्प्लीमेंट की बात हुई और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाला हुआ लगा कि नहीं अब अब तो रुकना नहीं है अब दो गुने जोश से इस काम को आगे बढ़ाना है अभी क्या होता है कि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आसपास के जो लोग हैं उनका सपोर्ट के साथ साथ उनको भी सपोर्ट मिल जाता है कि उनको काम भी मिल गया जैसे हाँ। आपने बताया कि कोविड के टाइम में आपने ये सोचा था हाँ। और उस समय बहुत सारे हाँ। माइग्रेंट जो बाहर रहते थे वो बाहर वापस आए थे तो उनका कैसे लाइफ चेंज हुआ या फिर आसपास के जो लोग हैं हमारे पड़ोसी ही जो मान लीजिए उनका लाइफ हल्का तो चेंज हुआ होगा कि उनसे भी तो कोई पूछता होगा कि आपके बगल में जो है वो जाजी स्टोर है हाँ। आप अब आप, आप क्या कहना चाहेंगे नहीं उन्हें भी अच्छा लगता है कि एक जाजी स्टोर जो है जो छोटा सा था अब लोग उसे पहचान मिला है जी तो अच्छा लगता है और मेरे जरिए जो मेरे गांव से अगल-बगल की महिलाएं आती हैं जो बिल्कुल गरीब है पढ़ी लिखी नहीं है उनको भी एक काम मिला रोजगार मिला मेरे झाजी स्टोर के माध्यम से कुछ अर्न करके जाती हैं तो उनके घर में भी काफी बदलाव है जी। तो जो आर्थिक तंगी था वो दूर हुआ बच्चे को खिला पिला रही अच्छे से पढ़ा लिखा रही हैं हस्बैंड भी कितनों के तो यही रुक गए कि जब मेरी वाइफ कर रही तो मुझे भी रख लीजिए तो वो भी हैं तो पति पत्नी भी साथ में काम कर रहे हैं कई जोड़े में जैसे जैसे मेरा कंपनी और मेरा मेरा बढ़ेगा और लोगों की आवश्यकता होगी तो मैंने पहले इन्हीं लोगों के हस्बैंड को बुलाऊंगी जो बेंगलोर दिल्ली में छोटा मोटा काम करके हैं जी। आपने जब शुरुआत भी की थी तो आप सिर्फ महिलाओं के साथ शुरू की जो बहुत अच्छी बात है हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है एंड अभी आपके पास पचास से ऊपर लोग हैं जो काम कर रहे हैं और उनके घर में उनके घर में वो लोग खुशहाल है की यहाँ वो काम कर कर रहे बिल्कुल गांव में रह के अपने घर घर पे रह के वो काम कर रहे हैं और एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है वहाँ से जी जी बिल्कुल ये घरेलू काम ही है जी एक सप्ताह के ट्रेनिंग में कोई भी महिला काम करने लायक हो जाती हैं जी और जो घर में करती हैं कटिंग चॉपिंग सब्जी भाजी काटना हुआ धोधा करना हुआ वो वही काम है फटकना बीनना वही काम है मसाला रोस्टिंग जो घर में खाना करती हैं वो भी कर तो उनके लिए कोई नया काम नहीं है जी और उस काम के जरिए उनको एक पैसा मिलता है एक सही जगह काम आके करती हैं सुबह आई शाम को लौट गई तो इस तरह से जहाँ कुछ भी नहीं था उनके हाथ में रहता तो बिल्कुल फैमिलियर इन्वायरमेंट है और जो उनके हाथ में पाँच सौ रुपए के लिए भी उनको सोचना पड़ता था मैं कैसे करूंगी आज हमारे यहाँ से अच्छे अमाउंट पे ले जाती है तो काफी खुश है वो लोग तो और ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आ, हम लोग भी मेरी नानी का भी एज 93 94 हो गया और जब हम बचपन में थे तो मेरा जो चाइल्डहुड है वो मेरा नानी क्या ही हुआ है मेरी मम्मी हमको वहाँ रखी हुई थी हम सात आठ साल तक वहीं थे तो नानी जो थी उस समय जब अचार बनाती थी तो वो टेस्ट बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छा आहा, लगता था और अभी उनका एज हो गया तो मम्मा जो आप अचार बना के देती है झाजी नहीं नहीं। हाँ, जा, एक बार अचार मंगाया था और मैंने खाया होता तो मैंने नानी को बकायदा वीडियो कॉल करके बताया था की नानी अब ऐसा नहीं कहेंगे तुम्हारे अचार कोई बना नहीं हाँ ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और यही यूएसपी भी मेरा है जो हमारा ट्रेडिशनल चीज है जो परंपरागत से बनने वाला अचार है उसको लेके परंपरागतारे बढ़ू जी। इसी विधि से बनाएंगे जी। और अभी जस्ट बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अब जो मेरे घर से ये काम हो रहा था हम लोगों ने एक फैक्ट्री का सेटअप लगा लिया है एक छोटा सा गांव है ताराला ही वही हमारा फैक्ट्री बन के हम लोग फीता काट चुके हैं जी जी अब तारीख इक्कीस तारीखों जी हाँ हाँ तो अब झाजी स्टोर का एक नया जन्म हुआ है पीछे की ही तो बहुत अच्छी थी अब आगे इसको और भी बड़ा करना है बहुत हाँ अभी जैसे कि हम ये आए अभी अंदर आपसे मिलने के लिए तो अंदर जैसे ही आए तो हमको ऐसा कुछ नहीं लगा है कि भाई मतलब पूरा लगा कि प्रॉपर वे वे में, वे में काम हो रहा है। हाँ, क्योंकि जब है। हम नेशनल लेवल पे और बाहर भेजना भी चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो हाइजीन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको तो उसी के तहत ग्लव्स मास्क कैप ये सब लगा के सारी महिलाएं काम करती है यहाँ पे तो वो अच्छा है हेल्थ के लिए भी खाने पीने की चीज में अच्छा वो सावधानी रखना जरूरी भी है तो इसी को फॉलो करते हैं हम लोग अभी अभी फ्यूचर प्लान्स कुछ होंगे झांझी स्टोर्स को लेके कि अभी कुछ और भी प्रोडक्ट्स आने हैं या फिर अभी तक तो हम लोग पंद्रह से बीस तरह के अचारों का हमारा ऑनलाइन अभी है रन कर रहा है आगे आने वाले समय में और भी जोड़ेंगे इसमें और भी किस बहुत तरह की चीजें हैं जो मन में है जी, जैसे जैसे हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है प्रोडक्शन बढ़ेगा जी, जी, हम और भी चीजों को इसमें ऐड करेंगे इसी के चलते हम लोग लिए हैं तारालाही में अपना फैक्ट्री क्योंकि जितना डिमांड है उतना इस जगह से मैं फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ तो वहाँ पे जाएगा जाते ही कंपनी में और भी लोग जुड़ेंगे जी। और काम भी जो है तो तेजी आएगा तो इस तरह से काम आगे बढ़ेगा और जहाँ तक कुछ कस्टमरों का होता है कि दाम बहुत ज्यादा है तो जब भी हम बल्क में बनाएंगे तो थोड़ा दाम भी रिड्यूस होगा तो इस तरह से काम मेरा आगे बढ़ रहा है अभी क्या होता है ना कि हम यंगस्टर हैं जो 25-30 साल के भी लोग हैं ना कोई काम अगर कर रहे हैं तो चार घंटे के बाद हम लोग थक जाते हैं बट आप 52 टू की एज पे जाके आपने स्टार्ट करा तो ये मोटिवेशन और ये एनर्जी कहाँ से नहीं लोगों से जी। हमारे यहाँ जो महिलाएं काम करती है उनसे वो सब जब मैं देखती हूँ कि नहीं इन लोग खुश है और इन लोग को एक तरह से पैसे की बहुत सपोर्ट हो गया है मेरी वजह से मेरे झाजी स्टोर के वजह से और झाजी स्टोर भी उन्हीं लोगों की वजह से है जी। काफी मेहनती महिलाएं हैं बच्चे हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं अभी साग टैंकिया में आने के बाद हमारे यहाँ जो ऑर्डर है इतना है जो रात दिन काम हो रहा है रात में पैकेजिंग करके चार बजे सुबह में ट्रक में लोड हो रहा है तो इन्हीं लोगों के बदौलत है और इन लोग में इतना उत्साह है कि नहीं बड़ा करो जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं बाहर जाके काम करना पड़ रहा है वहाँ कैसे रहते हैं क्या खाते हैं कोई ठिकाना नहीं है और यहाँ जो भी बच्चे हैं घर से खाना खा के आए फिर घर गए तो वो जो दूरी था वो जो तकलीफ था वहाँ रहने खाने का वो सब दूर हो रहा है तो अच्छा लगता है कि नहीं ये काम बहुत ही मोटिवेशन से मिलता है हमको कि नहीं हम काम जब शुरू किए तो एक डर झिझक था कि पता नहीं क्या होगा कहीं काम करके मैं पछताऊंगी नहीं काम करने के बाद लगता है कि मैंने सही स्टेप लिया और जिसका फल है आज आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा एक नाम बना अब तक तो मैं माँ थी पत्नी थी बहन बेटी थी आज मैं कल्पना झा जा हूँ झाजी स्टोर की फाउंडर हम झाजी तो आंटी भी कह सकते है बिल्कुल <laughs> हाँ। तो अभी क्या होता है ना कि यंगस्टर्स जो हैं जो कुछ करना चाहते हैं अलग फील्ड में इधर क्या बिहार में अच्छी चीज भी है और बुरी चीज़ भी है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हमारा गवर्नमेंट जॉब में जाए नहीं ये मैं बोलना चाहूंगी गवर्नमेंट जॉब जो, के लिए प्रयास किए ठीक है जी, नहीं हुआ तो उसके लिए फिर दुखी नहीं होना है बहुत बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा नहीं मैं उनके लिए मैसेज देती हूँ कि नहीं आप काम करो अपना जो हुनर है अपना जो क्षमता है उसको पहचानो उसमें एक्सपर्ट बनो हंड्रेड दो और काम कोई छोटा नहीं होता है मन मन में ये भावना मत रखो की मेरा छोटा काम कर रहा है नहीं अपना काम करो मेरा एक स्लोगन भी है आप लोग जरूर दिखाइएगा रोटी जी। कपड़ा मकान और दुकान हैश टैग हाँ, ये है। जहो जरूरी है जिससे रोजगार बढ़ेगा आप एक अपने लिए नहीं सोचोगे नौकरी में सिर्फ आप अपने लिए सोच रहे हो और जब कोई काम करोगे को तो आपके माध्यम से दस आदमी को भला होगा दस आदमी आपसे जुड़ेंगे तो ये छोटा काम हो ही नहीं सकता है में भी एक पॉजिटिव चेंज आएगा जो यहाँ पढ़ने के लिए नौकरी के लिए बच्चे को बाहर जाना पड़ता है ये सब समस्या है ये सब दूर होगा जब यूथ आएंगे तभी सही होगा दिक्कत नहीं ना वीडियो इसमें ये भी डाल देना कि बैटरी चेंज किए <laughs> तो हम ये कह रहे थे कि जैसे कि दरभंगा में अभी एक एक वेयर 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 हाउस 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 दिल्ली में में आपका पटना में हाँ, 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 हमारा पहले क्या होता था यहाँ से कुरियर भेजने में हाँ, से दस दिन लग जा रहे हाँ, थे तो कस्टमर को परेशानी हो रही थी जी, तो हम लोगों ने पहला तो वेयर हाउस पटना डाला उसके जी, जी, बाद अभी दिल्ली में है जी, और पूना बेंगलोर में भी है जो की अब शुरुआत होने वाला है प्रोसेस में है तो इस तरह से जैसे जैसे जो मेरा काम बढ़ेगा हर जगह वेयर हाउस होंगे जिससे कि हम तो चाहेंगे कि जितने स्टेट है सब में दो दो चार हाउस बन जाए हाँ ये अच्छी बात है आपने कहा कि हम जब सात गए थे तो हमारा एक विजन लेके हम गए थे जी, जी, पहले साल हमारा गोल ये होगा दूसरे साल पहले साल एक गुना दूसरे साल तीन गुना च, तीसरे साल तीन से चार गुना जी, तो वो जो हमारा है वो भी वो जो हम गोल था हमारा हमने अपने लिए सेट किया था वो गोल हम अचीव कर रहे हैं तो आगे आने वाले साल में और इसको बड़ा करना है चौगुना करना है इसको तिगुना चौगुना बनाना है इस कंपनी को मिथिला के इस स्वाद को जब मैं गई थी साक टैंक में तो सार्क लोगों को उतना समझ में नहीं आया था लेकिन सात जुलाई बाईस को जी टैंक की दो सार्क जो है हाँ हमारे पास आई उनका एक देखिये बुके भी कल ही आया मेरे पास जो टेबल पे रखा हुआ है नमिता थापड़ और विनीता सिंह आके उन लोगों के मन में जो एक रिग्रेट था कि दो महिलाओं को हम लोग नहीं दिए उस समय फंडिंग नहीं की हाँ। क्योंकि विनीता सिंह की माँ उसी वक्त अचार मंगा के खाई हुई थी बहुत पसंद आया था उनको तो अपनी बेटी को डांट हाँ डांट लगाई कि भाई तुम दो महिलाएं आई इतना अच्छा काम कर इतना अच्छा स्वादिष्ट अचार बनाए तुम क्यों नहीं दी तो वो रिग्रेट था दोनों के मन में कि नहीं हमें तो इनको जरूर से फंड करना है तो वो, वो तो हाँ तो तो ये सरप्राइज तो आपने शुरुआत में बोला लेकिन इसको छोड़ दिए ये।, ये बहुत बड़ी बात थी हमारी मिथिला के लिए और हमारी काम करने वाली महिलाओं के लिए जिसको वो टीवी और देखती थी मैगजीन पेपर में वो हमारे घर के दरवाजे पे आई दोनों दरभंगा शहर के लिए प्राउड करने की बात इतनी बड़ी बड़ी हस्ती और सबसे बड़ी बात तो आ, है कि सीजन के फर्स्ट अभी के फर्स्ट एपिसोड शुरू के में सबसे पहले ये दिखाया गया वो जो हम लोगों ने डिमांड किया था उससे ज्यादा हम लोगों को देखे गई वो जिसके वजह से हमारे कंपनी में काफी फायदा पहुंचा उस जिसके वजह से जो आज फैक्ट्री में कुछ पैसे हम लोग लगाए कुछ इन्वेंट्री में लगाए कुछ लोगों को बढ़ाने में लगाए तो उन लोगों का भी धन्यवाद है मेरे झाजी स्टोर के तरफ से जो सही समय पर उन लोगों ने फंडिंग दी जी इसके वजह से काम और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है जी अब आ, हम लोग एंड करेंगे और ये पहला पॉडकास्ट था हम लोग का स्पीकर मिर्ला के अंदर होपफुली हम अच्छा मैम बहुत अच्छा और बहुत कुछ सीखने को मिला मैम से